आऊंगा, मैं अपने जंगलों में पहाड़ों पर मुन्ना लोगों के बीच फिर आऊंगा। तुम्हें मेरे कारण दुख न सहना पड़े इसलिए माटी बदल रहा हूं। उलगुलान खत्म नहीं होगा, आदिम खून है हमारा, काले लोगों का खून है यह। भूख लांछन अपमान दुख पीड़ा ने मिलजुल कर बनाया है इस खून, इसी खून से जली है उलगुलान की आग। या कभी नहीं पूछे, कभी नहीं, जल्दी लौट कर आऊंगा मैं उसको खोज रहा हूं, उसकी राह देख रहा हूं। जाने कितने चांद बीत गए, मेरा बिरसा जब जन्मा था तो 800 से ज्यादा चांद जी चुका था मैं। एक बरस में 12 चांद, हाँ एक बरस में 12 चांद। चांद की रात थी वो, पूरे चांद की रात, चांद उसकी आंखों में सपने भर रहा था, घने जंगल में चांद की रात, दूर बैठा वो पेड़ों की गछुन के पार निहार रहा था चांद को, सोच रहा था कि चांद ने, सूरज ने जो उसके नसों में ताप भरा है क्या करे उसका, सूरज के ताप और चांद के सपनों को एक साथ कैसे सहेजे। बिरसा, 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 कौन? मैं हूं धानी, धानी मुंडा। क्यों रे, ये रात रात भर क्यों भटकता है जंगल में, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही घूमता फिरता हूँ। जंगल में घूमना अच्छा लगता है, नदी पहाड़ पेड़ पंछी चांद सूरज सबसे बातें करता हूँ। क्या बातें करता है? गहरों सवाल उठते हैं मन में, इनसे सवाल पूछता हूँ, जवाब मिलता है, कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता, कभी इनके जवाब समझ पाता हूँ और कभी कुछ भी नहीं समझ पाता। यानी क्यों मेरे भीतर बहुत तेज तूफान की तरह कुछ उठता है और मैं उड़ने लगता हूँ, मेरा खून बहुत चंचल हो गया है, बहुत जोर जोर से बहता है मेरे। तेरी उम्र ही ऐसी है। क्या हुआ मेरी उम्र? लड़कपन की उम्र नहीं, बच्चा नहीं हूं, जवान हो गया। अच्छा भला मिशन में पढ़ लिख रहा था, तू मिशन छोड़कर चला आया। मुंडाओं को गाली देते हैं, उसने तुम्हें तो गाली नहीं दी थी। उन्होंने मुंडाओं को भिखारी कहा था, कहा कि सभी मुंडा भिखारी की तरह मिशन में आते हैं और भीतर भीतर सरदारों का साथ देते हैं, विश्वासघात करते हैं। अरे वो सरदारों से नाराज है, तुमसे तो सरदार मुंडा नहीं है क्या? ये भी तो मुंडा है। मैंने समझा था कि फादर नोटरेट का जैसा उजला कपड़ा है वैसा ही उजला मन होगा, लेकिन नहीं, गलत समझा था मैंने। मैं तो चर्च मिशन प्रभु किरस्तान की प्रार्थनाओं में विश्वास करता था, वे मुझे पढ़ा रहे ज्ञान दे रहे थे, इसलिए मैं उनके सामने झुका रहा था, पर उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया। वे कहते हैं कि सरदार मुंडा ने उनका भरोसा तोड़ा है। ये बात कैसे भूल जाऊं, कैसे वो बात अपने मन से निकाल दूं कि सरदार भी मुंडा है, हमारा भला चाहते हैं। मिशन वाले मुंडाओं को ठग और धोखेबाज कहते हैं, बेईमान कहते हैं, मुंडा कभी बेईमान नहीं होता। तू पढ़ लिख लेता तो क्या होता, बता क्या बनता पढ़ लिख? दीपू साहेब, मुझे नहीं बनना दीपू साहेब। और तुम भी तो लड़े हो सरदारों के साथ मिलकर, बोलो लड़े हो? हाँ लड़ा हूं। और तुम उसके पहले भी लड़ते रहे हो? बोलो क्यों लड़ते रहे? अपने अपने लोगों के लिए। ये जंगल हमारे थे, ये नदियां हमारी थी, ये धरती हमारी थी। दीकू आए, जमींदार आए, मिशन आया, चर्च आया, अंग्रेज आए, सिपाही आए, कचहरी आई, सबके सब फैलते चले गए और हम मुंडा अपने पांव सिकोड़ते रहे। संथालों के साथ भी यही हुआ था, उन्होंने खून किया, मैं क्या था खून में लड़ने, सिद्धू कानू के लोगों के साथ मिलकर लड़ाई की है मैंने, कुचला से विष तैयार करता और उनके तीरों पर लगाता, मेरे विष भुजे तीर से उन्हें पलक झपकते ही मौत मिलती थी। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों लड़ते रहे हो तो? अपने लोगों के, अपने गांव के लिए, अपने जंगल के लिए। ये जंगल हमारे हैं, मैं दिलाऊंगा इन्हें वापस, मैं। याद रखना बिरसा, याद रखना, भूलना नहीं ये बात, तुमने कहा है कि ये जंगल हमारे हैं और तुम दिलाओगे इन्हें वापस, याद रखना। हमें पता है हमारा आबा, काले लोगों का आबा एक दिन जन्म लेगा और वही वही छुटकारा दिलाएगा हमें दुखों से, याद रखना बिरसा।
बिरसा भूलना नहीं ये बात। मेरा बिरसा जब जन्मा था करनी के गर्भ से बाहर आया था, उस रात सुगना मुंडा और करमी के घर के ठीक ऊपर में तीन तारे जले और बुझे। आसपास के गांव के लोगों ने भी देखा था। मैं तो तभी समझ गया था कि हमारा धरती आबाद पैदा ले रहा है, करमी के गर्भ से पैदा ले रहा है वो। मैंने तो आवाज भी सुनी थी जंगल में, बहुत भीतर से एक आवाज आई थी कि धरती आबाद पैदा ले रहा है। सिर्फ मैं ही सुन सका था वो आवाज, सिर्फ मैं ही सुन सका था वो आवाज। बिरसा बोल बेटा, कहाँ है तू? पास मेरे पास। बहुत अंधेरा है बेटा, गहरा अंधेरा है। सेंगल दा के पहले ऐसा ही होता है। सिंबोंगा जब आग बरसाने वाला होता है तो उसके पहले ऐसा ही अंधेरा छा जाता है। अभी और गहराएगा यह अंधेरा और काला होगा इस अंधेरे का रंग। कुछ नहीं कर सकेगा सिंबोंगा, कुछ नहीं कर सका आज तक। तो कौन करेगा बोल? तेरा ठाकुर करेगा। ठाकुर? जमींदारों के घर जाकर तुझे ठाकुर पूजने का चस्का लग गया है। आनंद पाड़े और सुखनाथ पाड़े के घर जाकर तू जिसकी पूजा करना सिखाया है वो भगवान भला करेगा हमारे लिए। मैंने छोड़ दी ठाकुर की पूजा, अब मैं किसी को नहीं पूजने वाला, ना ठाकुर को और ना तेरा सिंबोंगा। कहां चला गया था रे? हाँ, तू तो कहता था कि नून का पहाड़ खड़ा कर देगा, माटी तेल की नदी बहा देगा, गाय गोरु होंगे हमारे द्वार पर, हमारी रक्षा करेगा, अपने बाप की सेवा करेगा। तूने कुछ नहीं किया, तूने बस भिखमंगों से भी गए गुजरे हो गए हम लोग। अब तो भूख और डर यही हमारे पास रह गया है। मिशन भी छोड़ दिया तूने, अब तो वो लोग भी हमारा हाल चाल नहीं पूछेंगे। कागज देने से ये अर्जी देने से जंगल तेरा हो जाएगा
और किससे मांग रहा है? सरकार से। सरकार से? सरकार से। ऐसा कर, तू चला जा, चला जा बिलायत, सौ समुद्र पार तैरते हुए, और वहीं जाकर महारानी समान डर के मारे अपने सिंहासन से उतरेगी और तुझे तेरा जंगल वापस कर देगी। हमारी अर्जी फाइल करो। अंग्रेजी बोल रहा है? अंग्रेजी बोल रहा है? पढ़ना लिखना सीख लिया? ठीक से बात कर, तू तो मत कर। तो क्या कहूं, क्या कहूं? साहब को आप महाजन को तुम और मुंडा को क्यों नीच समझता है? मुंडा को सुनने दे, मेरा नाम है बिरसा, बिरसा मुंडा। ठीक से बात कर, मैं साहब और सरकार से नहीं डरता। मार डालेगा क्या? मार रजी को मार डालूंगा, तू चला के विश वाले तीर से मार डालूंगा। मार डालूंगा। सिंबोंगा का प्रेत भी नहीं टिक सकते।
भालुक नहीं है, तू पिशाच है, तू पापी है, तुझे सिंबोगा कभी माफ नहीं करेगा। तूने मुझे और अपने बाप को नरक की आग में झोंका है। कौन था जो कहता है वो सच है? सच मैंने किया ऐसा। चालकी की कब्र खोदकर उसकी अंगूठी और पैसे निकाले हैं। मैं तुझे बिरादरी से बाहर निकलवा दूंगी, तेरा भात, तेरा पानी, तेरा नमक सब बंद करवा दूंगी। तू मालूक नहीं पिशाच है। मैं हूं मनुख, ये कि मुझे भूख लगती, प्रेत और पिशाच को भूख नहीं लगती। मैं नहीं डरता आत्मा से, सिंबोंगा के प्रेतों से। अनाज पर भूखे का हक होता है, देवी देवताओं का नहीं। हाँ मेरे बाप,
तूने मुझे आबा पुकारा है। देखिए मेरे आबा, वे लोग तुझे जिंदा नहीं करेंगे, वे लोग तुझे मार डालेंगे। तुम्हें भगवान बनना पड़ेगा, तुम्हें इस धरती का आबा बनना पड़ेगा। वे तुम्हें बहुत दुख देंगे, तुम्हें दुख सहने के लिए भगवान बनना पड़ेगा, तुम्हें धरती का आबा बनना पड़ेगा। मैं बनूंगा आबा, मैं इस धरती का आबा बनूंगा मां। जा, जाके पहाड़ के मार्ग पे चढ़ जा और बता दे सबको कि तू ही इस धरती का आबा है। धरती आबा के भरोसे, अपने भगवान के भरोसे, सिर्फ
मेरी आंखों में नींद नहीं, भगवान की माँ जो हूँ सो जाऊंगी तो अपने भगवान की देख रेख कैसे करूंगी, हाँ इसी डर से जागती रहती हूँ, सोती नहीं रोती रहती हूँ। चल माँ चल, सो जाऊंगी सो जाऊंगी, एक दिन रोते रोते मैं पागल की हो जाऊंगी, देखना तू, मुझे मालूम है तू मुझे बहुत सताएगा, मैंने तुझे गोद में सुलाया है। हाँ माँ मेरी गोद में, जब पहले दुख होता था तो तुझे अखबार में भर के रोती रहती थी, अब तो तू तू बिल्कुल बदल गया है, तेरे देह की गंध बदल गई है, तू बिल्कुल बदल गया बिट्टा। सो जा माँ, आंखें मूंद ले, देख मैं तेरे माथे पर हाथ फेर फेर ले, शायद आज नींद आ जाए। भगवान की माँ जो हूँ सारे घर की देख रेख करती हूँ, घर को लीपना पोतना, इतने लोगों को भात पानी देना कौन करेगा, हाँ बहुत काम है बेटा। मिशन वालों का सहारा भी छोड़ दिया है, वे अब समझ गए हैं कि मिशन और सरकार दोनों उनका भला नहीं चाहते। सरदार वीर सिंह मुंडा चाहता है कि धरती आबा की लड़ाई शुरू हो और वह उसमें शामिल हो। अरे सरदार वीर सिंह मुंडा पहले भी लड़ता रहा, उसके पर बाबा कोलों के साथ मिलकर लड़ा था, अरे कई गांव की मिल्कियत थी उनके पास, लड़ाई में रहने के चलते सरकार ने सारी मिल्कियत छीन ली, अब तो घर द्वार तक नहीं रहा उनके पास। कई सरदार आए थे मेरे पास, हाँ मांगा मुंडा, जन मुंडा, माटी मुंडा और भी दूसरे कई सरदार, वे सब हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहते, वे सब हमारे आबा को खिलौना बनाना चाहते हैं। अरे हमारे आबा को कोई खिलौना नहीं बना सकता, कोई धोखा नहीं दे सकता, सब हमारे आबा के पीछे पीछे चलने को तैयार है, हम तुम्हारे साथ, तुम हमारे आबा। गिडियन लियाजार, प्रभु दयाल, ये सारे सरदार भी आए थे मेरे पास। हाँ हाँ, आपसे मिलने के बाद रास्ते में पड़ने वाले सभी गाँव के मुंडाओं से मिलते हुए गए। हाँ कह रहे थे कि बिरसा भगवान राज का दावा करेगा, मुंडाओं का राज होगा और वो उसका मालिक बनेगा, जब हमारा राज होगा सारे अंग्रेज साहब दिक्कू बाहर भगा दिए जाएंगे, दिक्कू को डरे हुए आबा। अरे रांची और चाईबासा में तो पुलिस पुलिस की फौज खड़ी कर रखी है, वे हमारे आबा को बेईमान और ठग बता रहे हैं, वे कहते हैं कि हमारा भगवान नकली है और मुंडाओं का भरमारा, और हम जानते हैं कि साहब और सरकार सब डरे हुए, हमें किसी से डर लगता है। अरे इस बार के अकाल में कोई भी मुंडा मिशन में ठीक और खराब मांगने नहीं गया, अरे भैया तो राह देखते रह गए। सुनो हाँ। मेरी बात ध्यान दे, सारे मुंडा गर्दन तक मुसीबत में फंसे हुए, देखो जमींदारों ने मुंडाओं को जहर का छड़ी उधार कर अच्छे चक्कर फांस कर रखा है, अब हम किसी को कोई लगान नहीं देंगे, कोई सूद नहीं भरेंगे, खेती गिरवी रखकर कोई मुंडा अनाज उधार नहीं लेगा, धार करज एकदम बंद, कूली बनने के लिए कोई मुंडा चाय बगान नहीं जाएगा, अब मुंडा कोयला खदानों से कोयला निकालते हुए अपनी जान नहीं देगा, सारे बाहरी लोग दीकू हो अंग्रेज उन्हें जंगल से भगा देंगे, सारे जंगल ले लेंगे, ये जंगल हमारे हैं। कब से ऐसा करना होगा भगवान? बताऊंगा कब लड़ाई शुरू होगी, जल्दी ही बताऊंगा। गांव गांव में तीर पठा दो, बनाओ जितने हो सके तीर बनाओ और हर गांव को भेज दो, पहले हथियार जमा करो फिर मैं हर गांव को संदेशा भेजूंगा, बता दो लोगों को कि जब पत्ता भेजूं तो लोग समझे कि धर्म के काम के लिए बुलावा है, और जब तीर भेजूं तो लोग समझे कि लड़ाई के लिए बुलावा है। भेजेंगे हम, भेजेंगे तीर, भेजेंगे तीर, तीर। धानी मुंडा की बरसों की साध पूरी हुई, तीर अभी बठी रहे थे, समूचे गांव में पहुंचे भी नहीं थे कि वे सभी आ गए, वे जिनका सिंहासन हिल रहा था, वे जिनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, वे जिनकी इच्छाओं के दास बनकर अब तक जीते रहे थे मुंडा, वे सभी हाथियों पर सवार होकर आए, अपने साथ बंदूकों और हथियारों से लैस सिपाही लेकर आए, और राह बताने के लिए लुटेरे बर्बर दलाल और दोगले जमींदार को अपने साथ लाए। वे जब आए रात हो चुकी थी,
आसमान में मेघ गरज रहा था, वर्षा से भीगे जंगल में लोग सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर जब आए रात हो चुकी थी, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी विश्रांति का चादर ओढ़कर सो रहे थे, सिर्फ धरती आबा जगे हुए थे। वे अपनी कोठरी के बिछावन पर लेटे लेटे मुंडाओं के जीवन में आने वाले दिनों के बारे में सोच रहे थे कि उन्होंने घेरा डाल दिया। पुलिस का डिप्टी सुपरिटेंडेंट जीआर के मेयर्स के हाथों कुमुक की कमान थी। आबा के खिलाफ सरकार को रिपोर्ट भेजने वाला लवरेंद्र रस्ती भी साथ में था और राह बता रहा था जमीन अंग्रेजों का तलाश जमींदार जगमोहन सिंह। दूर दराज के जंगल में तीर बांटते हुए लड़ाकू मुंडा जब तक लौटे, वे आबा को लेकर जा चुके थे। यह बात जंगल में आग की तरह फैली। उन्हें डर था कि यह आग कहीं उनके और उनके राजपाट को खाक न करते, लेकिन आबा थे किसान, धन और गंभीर। उन्होंने आबा पर मुकदमा चलाया। झूठ क्या है और सच क्या? सारे के सारे मुंडा क्यों आते हैं तुम्हारे पास? मुझे नहीं मालूम। जब मुंडा मिशन वालों के पास जाते थे तो तुमने उनसे क्यों नहीं? तुम ठास्ती है खुशन, जवाब दो। मुंडाओं ने लगान देना क्यों बंद कर दिया है? मुझे नहीं मालूम। जो लगान नहीं देते उनसे सवाल करो। तुमने उनकी खेती बंद करवा दी? नहीं। फिर वे खेती क्यों नहीं करते? अभी यही बताएं। तुम सरकार के दुश्मन हो, मुंडाओं को राज के खिलाफ उकसाते हो। मैंने कहा मैं उन्हें सिर्फ धर्म की बातें बताता। तुम होते कौन हो धर्म की बातें बताने वाले? मैं भगवान हूँ, मुंडाओं का भगवान, इस धरती का आबा। ये झूठ है, तुम भगवान नहीं हो, ये सच नहीं है। तो अगर तुम सच्चे हो और मुंडाओं को तुम्हारी बात पर भरोसा है तो जाकर बता दो उन्हें कि मैं भगवान नहीं। तुम भगवान नहीं, एक धोखेबाज हो, फ्रेमी हो। मैं भगवान हूँ, इस धरती का आबा। भगवान होते तो सिपाही के हाथों पकड़े जाते, कैद होते। कैदी हो जाने से भी भगवान भगवान ही रहता है। नहीं, तुम्हें ना तो इतिहास मालूम है और ना ही धर्म के बारे में। हमारा एक भगवान तो जेहल में ही पैदा हुआ, वो भी काला था हमारी तरह, पर वो दिकुओं का, जमींदारों का, आनंद पांडे, सुखनाथ पांडे, जगमोहन सिंह का भगवान। और तुम्हें अपना यीशु याद नहीं है? भूल गए तुम कि यीशु को कैद हुई थी, मौत की सजा मिली। शायद मूर्ख पागल धोखेबाज। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है, जवाब दो। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए लाचार नहीं हूँ, तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे, समझे? मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए लाचार नहीं। तुम्हें अंग्रेजी आती है? तुम्हारी फाइल में लिखा होगा। लिखा मामूली जानते हो। ठीक ही लिखा। तुम पर मुकदमा छाएगा, हम कोर्ट में साबित कर देंगे कि तुम भगवान नहीं, एक धोखेबाज। तुम्हें वकील चाहिए? नहीं, तुम्हारी कोई दया नहीं चाहिए। मैं जानता हूं वकील हो या ना हो, मुंडाओं को जेहल भी नहीं है। जब जेहल जाना ही है तो वकील। मैं तुम्हें काल कोठी में बंद करवाऊंगा और तुम्हारा सारा फरेब खुल जाएगा। और चिखी मामा हथियार देख रहे हैं,
सर ये तो इनके साथी हैं। मुंडा लोग गुस्सा होने पर कुछ भी कर सकते हैं, मार डालना चाहे विष वाले तीरों से किसी को भेद डालना, ये सब उनके लिए खेल है। तुम लोग हम अपने धरती हवा से मिल जाए हैं, हमें हमारे भगवान से मिला दो। हम फूल लाए हैं अपने भगवान के लिए। यहाँ तुम्हारा कोई भगवान नहीं है, कोई आमा नहीं है। तुमने जिसे पकड़ रखा है वही हमारा भगवान है, वही हमारा आमा है। सुनो वो सरकार का दुश्मन है, कैदी है वो। हम पूजा करेंगे। सुनो अभी नहीं, मुकदमा चल रहा है, जब हवाला जाएगा तो मिल लेना। अभी चलो हजू भगवान से। वो भगवान नहीं।